हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्यून इन फॉर लव, एक कोरियन लव स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं पर हालातों की वजह से जुदा हो जाते हैं। एक दूसरे से प्यार तो ये करते हैं पर हमेशा जुदा हो जाते हैं। आज की मूवी बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी है। अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें मूवी दिखाई गई है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मिसू, ये हमसे इंट्रोड्यूस कराई जाती है। मिसू की एक बेकरी है जिसमें वो काम करती है। एक दिन वो ऐसे ही काम कर रही है और वहां से ह्यून गुजरता है। यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। ह्यून फिर बेकरी में आकर सोया मिल्क मांगता है। इसके अलावा उसे टोफू भी चाहिए। मिसू उसे देखकर डर जाती है क्योंकि ह्यून पहले जेल में था और इसके बहुत सारे चर्चे थे। बेकरी में टोफू और सोयाबीन दोनों नहीं होते तो दूसरे बेकरी में उसे जाने के लिए कहती है। मिसू के साथ इंजा भी काम करती है। इनकी बेकरी में हेल्प करने के लिए इन्हें एक आदमी की जरूरत होती है, इसके लिए इन्होंने बाहर रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है। ह्यून जब इस बेकरी से गुजरता है तो इसे वो नोटिस करता है, पर मिसू जल्दी से इसे निकाल लेती है। ह्यून स्कूल जाता है और टेरेस पर जाकर वो बहुत ही दुखी है, ये हमें दिखता है। इसका रीजन क्या है ये मूवी में नेक्स्ट हमें पता चलेगा। शाम होती है तो ह्यून बेकरी में आता है। वो इंजा और मिसू से कहता है कि वो यहाँ काम कर सकता है, उसे पैसों की जरूरत है। ह्यून अब अच्छे से वहां काम करने लगता है। एक दिन ये सब बैठे हुए होते हैं तो ह्यून मिसू और इंजा से पूछता है कि तुम मदर डॉटर नहीं हो ना। इंजा कहती कि नहीं। ये फिर उनकी स्टोरी से सुनाती है। मिसू भी कहती है कि मेरी मदर के साथ इंजा काम करती थी। जब वो बीमार पड़ी तो इंजा ने सबको सीख लिया था। उनके गुजर जाने के बाद इंजा ही मेरा ख्याल रखती है। ये मदर डॉटर नहीं है पर इनके रिलेशनशिप कोई मदर डॉटर से कम भी नहीं है। ये दोनों फिर ह्यून से जब वो जेल में था उसके बारे में पूछती है। ह्यून कहता है कि जब मैं जेल में था तब सब डेज सेम थे। रेडियो पर एक शो आता था, उसी वजह से मुझे टाइम पता चलता था। मेरा रूटीन, मेरा खाना पीना सब कुछ एक ही टाइप का होता था। मैंने तब इमेजिन किया था जेल से जब मैं बाहर आऊंगा तो बहुत सारी चीजें खाऊंगा। इसी वजह से फर्स्ट सीन में टोफू और सोया मिल्क जैसी चीजें मांग रहा था। बहुत सारे दिनों तक ह्यून अच्छे से काम करता है। फिर क्रिसमस आता है। इंजा क्रिसमस के लिए स्पेशल डोनट्स बनाते हैं। मिसू और ह्यून दोनों को बहुत पसंद आते हैं। इंजा को आइडिया आता है कि ह्यून को नया हेयर कट देना चाहिए। ये हेयर कट देखकर बहुत सारी लड़कियां ह्यून से अट्रैक्टेड हो जाती है और हमेशा बेकरी के आसपास ही घूमती है। मिसू इनसे जरा जेलस होकर इन सबको भगा देती है। ह्यून और मिसू जब दोनों बात करते हैं तो ये एक ही एज के है। अब काम करते वक्त इतना सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। रेडियो पर हमेशा एक शो चलता रहता है, इसी वजह से इस मूवी का नाम भी ट्यून इन फॉर लव है। एक दिन जब बारिश आती है तो एक दूसरे को देखकर ही ब्यूटीफुल स्माइल करते हैं। ह्यून अभी भी मिसू को मैम बुलाता है तो उसे कहती है कि हम दोनों एक ही एज के हैं। मिसू और इंजा इस पर बहुत हंसते हैं। क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री लगाई जाती है। ह्यून, मिसू और इंजा ये सब तीनों मिलकर फोटो खींचते हैं। एक दिन इनके बेकरी के सामने अचानक से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस कंस्ट्रक्शन से इनका बिजनेस हर्ट हो सकता है। एक दिन ह्यून जब बेकरी में ही काम कर रहा है तभी उसका एक फ्रेंड उसे स्पॉट कर लेता है। ये उसका फ्रेंड जेल में से है। इंजा ने स्पेशल कपकेक बनाए थे, छोटे छोटे बच्चे इसे खाने के लिए आते हैं। ये जो क्रिसमस का माहौल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर ह्यून का फ्रेंड उसे मिलने के लिए आया है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करता है। ह्यून का फ्रेंड अपने और कुछ फ्रेंड्स को कॉल कर देता है और ये सब ह्यून को लेने के लिए आते हैं। ह्यून का मंथ अभी कम्प्लीट नहीं है पर फिर भी वो इंजा से एडवांस पैसे मांग लेता है। उसके फ्रेंड्स उसे बुलाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। मिसू और इंजा ये दोनों हताश होकर बैठती है। मिसू इंजा से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा। इंजा कहती कि शायद आ सकता है। इंजा समझ गई थी, मिसू उसे लाइक करने लगी थी। ये सारे फ्रेंड्स अब ड्रिंक करते हैं। एक फ्रेंड एक फोटो निकालता है और टेबल पर रख देता है। ये उनके एक ओल्ड फ्रेंड का है जो अब मर चुका है। ह्यून अब सब याद करता है। स्कूल के टेरेस पर ये सब फ्रेंड्स गेम खेल रहे थे। ये खेलते खेलते लड़ाई हो गई और एक्सीडेंटली उनका फ्रेंड ऊपर से नीचे गिर गया। इसी वजह से ये जेल में था। हमने प्रीवियस में देखा था कि टेरेस पर जाकर ह्यून बहुत ही दुखी था, यही वो वजह थी। इस होटल में ये सब फ्रेंड्स दारू के नशे में ही हैं, तो वहाँ एक क्लाइंट आता है और उससे इनकी लड़ाई हो जाती है। ह्यून प्रोबेशन में था जिसका मतलब है अपने फ्रेंड से उसे नहीं मिलना चाहिए था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है तो फिर से उसे जेल भेज दिया जाता है। मिसू रात भर बेकरी में ही रुक कर ह्यून का वेट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टली 5 साल गुजर चुके हैं। ह्यून और मिसू अब फिर से मिले ही नहीं। मिसू और उसके फ्रेंड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पास आए हुए हैं। इन दोनों को जॉब चाहिए। यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक रेडियो में जॉब कर सकती है और दूसरा एक लिटरेचर का जॉब है। मिसू लिटरेचर का ही एजुकेशन ले रही थी तो अपने फ्रेंड को कहती है कि तुम वो दूसरा वाला जॉब ले लो, यानी रेडियो वाला। रेडियो वाला जॉब परमानेंट नहीं था पर फिर भी उसकी फ्रेंड इसके लिए मान जाती है। हमें ह्यून दिखाया जाता है जो अब मूवर्स के लिए काम कर रहा है।
हमने 5 साल पहले देखा था, बेकरी के सामने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था, इसी वजह से बेकरी बंद पड़ गई। इंजा ने फिर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला और वही वो काम करती है। रात में मिसू उसे मिलने के लिए आती है। मिसू के एजुकेशन के लिए जो भी सब पैसे लगने वाले थे वो पूरी इंजा की सेविंग थी और उसने उसे दे दी थी। मिसू को जॉब लगी है तो इंजा को वो बहुत ही ग्रेटफुल है। मिसू के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का है तो फिर से बेकरी देखने के लिए आती है। यून रात में लाइब्रेरी में काम करता है। उसका ओनर उसे कहता है कि मेरी मदर को घर पर छोड़ कर आओ। जब वो मदर को छोड़ने के लिए जाता है तो बेकरी के सामने से ही गुजरता है और मिसू उसे दिख जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। ह्यून कहता है कि यही रुको, मैं जल्दी से इन्हें छोड़ कर आता हूँ। वापस आते वक्त ह्यून भागते भागते ही आता है। मिसू उसे पूछती है कि तुम अब क्या कर रहे हो। ह्यून कहता है कि मैंने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया था। मिसू को जॉब लगी है तो ये सुनकर भी वो बहुत ही खुश है। ह्यून इंजा के बारे में कहता है। मिसू कहती है कि उसका रेस्टोरेंट है और हम दोनों कल उसे देखने के लिए जा सकते हैं। ह्यून जरा साइलेंट होता है और कहता है, कल मैं मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ। आज की रात यही एक रात है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। ह्यून फिर मिसू को घर छोड़ने के लिए उसके साथ चलता है। मिसू की बिल्डिंग जब आती है तो नीचे से गुड बाय कहकर जा रहा होता है। आगे चलकर फिर से वापस आता है। मिसू भी बालकनी में खड़ी होकर उसका वेट ही कर रही थी। ये दोनों मिसू के घर पर डिनर करते हैं और आज लेट हो चुका है तो ह्यून अब यही रुकने वाला है। रात में मिसू ह्यून से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, मुझे लगा कि तुम आओगे। ह्यून उसे जो भी सब हुआ था ये सब कह देता है। सुबह मिसू जल्दी उठती है, अपने लिए एक ईमेल बनाती है। ह्यून दूर जाने वाला है पर फिर भी इस ईमेल के जरिए वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सुबह होती है तो ह्यून को ईमेल एड्रेस देती है। वो उसे कहती है कि जब तुम वापस आओगे तो यही मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये दूसरे को हक करते हैं पर बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। ह्यून उसे एक किस करता है और फिर एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। मिसू आज जब काम के लिए आती है तो अचानक से उसे रियलाइज होता है कि उसने सिर्फ ह्यून को ईमेल दिया था, उसका पासवर्ड उसने उसे दिया ही नहीं। यानी कि एक दूसरे से बात करने का चांस उनका चला गया है। जो रेडियो शो ये दोनों बेकरी में सुनते थे वहां भी मिसू एक स्टोरी देती है। इस स्टोरी में ह्यून के लिए वो मैसेज देती है, कहती है कि मेरे घर का जो कोड है यही पासवर्ड है। पर ये शो ह्यून नहीं सुनता। ह्यून बहुत ट्राई करता है अलग अलग पासवर्ड पर वो फिगर आउट नहीं कर पाता। मिसू जब रेडियो में स्टोरी देती है तो डोनट और टोफू इस तरह से एक दोनों के वो निकनेम देती है। टोफू ह्यून का निकनेम और डोनट मिसून का। ह्यून शायद कभी भी ईमेल खोल नहीं पाएगा पर मिसू अपने लाइफ का सब अपडेट्स ईमेल में लिखती रहती है। अब 2 साल गुजर चुके हैं और अपनी सर्विस से ह्यून वापस आ चुका है। वो मिसू के घर पर जाता है पर उसने मूव आउट कर लिया है। एक दिन अचानक से मिसू को ईमेल आता है, ह्यून ने इस ईमेल का पासवर्ड फिगर आउट कर लिया है। इस ईमेल में ह्यून लिखता है कि जब मैं तुम्हारे घर के पास गया तो मुझे पता चला कि तुम्हारे घर का नंबर तुम्हारा पासवर्ड हो सकता है और उसने वो अकाउंट ओपन कर लिया। ये एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाल पूछते हैं और मिसू कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। ह्यून कहता है कि तुम्हारा आवाज सुनकर मेरा डे ब्राइट हो चुका है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि 6 बजे फिर से एक दूसरे को कॉल करेंगे। 6 बज जाते पर ह्यून का कॉल उसे नहीं आता। वो ट्राई करती है पर ह्यून पिकअप नहीं कर रहा। जिस जिम में ह्यून काम कर रहा था इस जिम में फाइट हो गई और फाइट में ह्यून पकड़ा गया। पुलिस ने उसे रोक कर रखा था, उसका फोन भी गिर गया, इस वजह से वो मिसू से कॉल नहीं कर पाया। मिसू ईमेल लिखने का ट्राई करती है। इस ईमेल में लिखती है कि तुम्हारा कॉल नहीं आया तो मैं इसके लिए जरा ग्रेटफुल ही हूँ। इतने साल बीत चुके हैं, मैं लिटरेचर में कुछ करना चाहती थी, बुक लिखना चाहती थी पर ये कुछ भी कर नहीं पाई। तो अपने आप को एक रूजर समझती है। ह्यून की उसे जरूरत थी पर ह्यून ने उसे इग्नोर कर दिया ऐसे उसे लगता है। ये वो ईमेल लिखती है पर कभी भी सेंड नहीं करती। ह्यून भी ईमेल लिखने के लिए ट्राई करता है, जो भी कुछ हुआ वो लिख देना चाहता है पर ये ईमेल वो भी नहीं सेंड करता। इसके बाद फिर से 5 साल गुजर चुके हैं। मिसू अब एक पब्लिशिंग कंपनी में काम कर रही है। ये उसे लगता था कि वो एक लूजर है, वो अब वो नहीं है। एक स्टेबल जॉब उसे मिल चुकी है, उसकी लाइफ जरा सही चल रही है। मिसू का एक अच्छा बॉस भी है जो उसे पसंद करता है। रात में उसका बॉस उसे बाहर लेकर जाता है। बॉस बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि जो बुक उन्होंने पब्लिश की थी वो नंबर 6 आ चुकी है। मिसू भी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। अगर एक दिन मिसू ऐसे ही काम कर रही है तो रास्ते से ह्यून गुजरता है, उसे देख लेता है। रात तक वो ऑफिस के बाहर ही रुकता है। मिसू बाहर आकर ह्यून से कहती है कि उसे देखकर वो बहुत खुश है। ह्यून बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे अपने अपार्टमेंट पर लेकर आता है। ये वही अपार्टमेंट है जो मिसू की हुआ करती थी। मिसू ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड है। मिसू अब बहुत सारा टाइम ह्यून के साथ गुजारना चाहती है तो 3 दिनों के लिए छुट्टी ले लेती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कुक करते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं। ह्यून को फोटोग्राफी करना भी अब पसंद आता है। उसने बहुत सारी फोटोज लगाई हुई है, ये बहुत सालों पहले की भी है। मिसू उसे पूछती है कि फोटो तुमने क्यों लगाई है। ह्यून कहता है कभी कभी मेमोरीज भूल जाता हूँ।
जो पास की मेमोरीज थी वो हमेशा के लिए मेमोरीज में मुझे रखनी है। रात में एक दूसरे के पास हुआ थे। ह्यून कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम डर गई थी, या तुम्हें अब डर लग रहा है? मिसो कहती कि नहीं, और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इनकी रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप होती है। एक दूसरे को बुक्स पढ़कर सुनाते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। ह्यून को इंजा से मिलना है, मिसो उसे लेकर भी जाती है, पर मिसो अंदर नहीं आ रही। ह्यून उसे पूछता है ऐसा तुम क्यों कर रही हो? मिसो कहती है इंजा में बहुत सारा पोटेंशियल था, वो एक बड़ी शेफ बन सकती थी, अच्छे से अपनी लाइफ जी सकती थी, पर एक आदमी से उसने शादी कर ली और उसके बाद उसकी स्टेप डॉटर को ही वो संभाल रही है। यह सब मिसो को अच्छा नहीं लगता, तो अब वो इंजो से नहीं मिलती। ह्यून अकेले ही इंजा से मिलने के लिए अंदर जाता है। इंजा उसे देखकर बहुत ही खुश है। इंजा की स्टेप डॉटर ऊपर आकर सिगरेट पी रही है, तो मिसो उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत डांटती है। अब इंजा और मिसो एक दूसरे से मिल जाते हैं। रात में ये सब मिलकर डिनर करते हैं। ह्यून और उसका फ्रेंड मिलकर एक फोटोग्राफी का स्टूडियो चलाते हैं। ह्यून के फ्रेंड को एक स्टेबल जॉब चाहिए, इसीलिए छोड़कर उसे चला जाता है। हमने मूवी में देखा था कि मिसो के फ्रेंड एक रेडियो स्टेशन पर काम करती है, इस रेडियो स्टेशन पर एक फोटोग्राफर होने चाहिए। मिसो ह्यून को रिकमेंड करती है और ह्यून को वहाँ जॉब मिलता है। मिसो जब ह्यून का स्टूडियो देखने के लिए आती है तो वीडियो रिकॉर्ड करती है। वो उससे पूछती है कि तुम जो ये स्माइल करते हो क्या ये फेक है? ह्यून कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत ही कम चीजें हैं जिन्हें देखकर मैं सचमुच में खुश होता हूँ, और तुम उसमें से एक हो। मिसो ये सब सुनकर बहुत शर्माती है। ह्यून मिसो का फोटो निकाल कर अपने स्टूडियो की सीलिंग पर लगा देता है, यानी कि आसमान में जब भी वो देखे तो उसे मिसो ही दिखे। एक दिन मिसो और उसका बॉस बैठा हुआ होता है, तो उसका बॉस उसे एक प्लान दिखाता है। मिसो का बॉस उसे एक लोकेशन दिखाता है और कहता है कि ये बेकरी तुम रन कर सकती हो। मिसो को बेकरी पसंद है और उसके बॉस को पता था, तो डायरेक्टली पूरी बेकरी ही मिसो को उसने दे दी है। मिसो भी सुनकर बहुत ही खुश है। ह्यून आज काम से जल्दी से आने वाला था। मिसो उसका वेट कर रही थी, पर अचानक से उसके फ्रेंड्स का उसे कॉल आ गया। ह्यून का जो फ्रेंड एक्सीडेंटली मर गया था, आज उसका मेमोरियल है। ह्यून और उसके फ्रेंड्स जाकर हर मेमोरियल डे पर उसकी मदर को पैसे देकर आते हैं। ह्यून छुपके से जब ये रख रहा होता है तो उसकी मदर उसे स्पॉट कर लेती है। उसे पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो? वो कहती है अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हारी एज का होता, वो भी अब जॉब कर रहा होता। तुम सब लोगों ने जो भी किया वो बहुत ही गलत था, और इसके लिए तुम्हें जेल में होना चाहिए था। ह्यून उसे सॉरी कहता है। उसे बहुत ही गिल्टी महसूस होता है, तो बहुत रोता है। ह्यून अपने फ्रेंड के साथ जब था तो अपना फोन उसके फ्रेंड के यहाँ ही छोड़ कर गया था। मिसो कॉल लगाती है तो ह्यून का फ्रेंड इसे उठाता है। मिसो ह्यून के फ्रेंड से पूछती है कि वो सब कहाँ थे। ये सब कुछ उसे बता देता है। जब रात में ह्यून घर पर आता है तो मिसो यह सब सवाल पूछती है। ह्यून इस सब से डिस्टर्ब होता है। उसे कभी भी इस चीज के बारे में बात नहीं करनी होती। वो डायरेक्टली उठता है और घर से बाहर निकलने लग जाता है। मिसो कहती है कि ऐसा मत करो, क्या हुआ? ह्यून बोलता है कि तुम ही एक थी जिसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। उसका फ्रेंड मर गया था, इस वजह से वो हमेशा गिल्टी महसूस करता है और ये सब चीजें वो मिसो से दूर रखना चाहता है। हर आदमी ह्यून को ही दोषी मानता है। ह्यून मानता है कि अगर मिसो को पता चल गया तो अलग नजर से उसे देखेगी। ये आइडिया वो इमेजिन नहीं कर पाता और डायरेक्टली घर से निकल जाता है। जिस फ्रेंड ने मिसो को बताया था उसे वो बहुत मारता है। उसका फ्रेंड भी उसे मारता है। उसका फ्रेंड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम हर्ट हो रहे हो? तुम्हें जो महसूस होता है ये हम भी महसूस करते हैं। मार खाकर डायरेक्टली इंजा के पास आता है। इंजा उसकी मलम पट्टी वगैरह करती है। ह्यून को रेडियो स्टेशन में नई जॉब मिल गई है, तो अपना स्टूडियो उसे बेचना पड़ता है। ये स्टूडियो भी मिसो के बॉस ही बाय कर लेता है। ह्यून मिसो से मिल नहीं रहा। अपने स्टूडियो में फिर से वापस जाकर वो मिसो की फोटो लेकर आना चाहता है, पर बॉस ने ऑलरेडी कीज ले ली थी, तो मिसो का फोटो भी उसे मिल गया था। ह्यून बॉस के पास आता है। वो कहता है कि शायद मिसो का फोटो अभी भी स्टूडियो में ही है, उसे लेने के लिए जाना है। बॉस कहता है कि नहीं, मैंने वो ले लिया है। बॉस ह्यून से कहता है कि तुम बहुत ही टेंस हो, उसी तरह से मिसो भी है। उसे मेरी तरह जरा लाइट हार्टेड हंसने वाला एक आदमी चाहिए। तुम दोनों अच्छे कपल नहीं हो, मैं उसके लिए सही हो सकता हूँ। बॉस अब मिसो से ही मिलने वाला है। ह्यून उसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करूँ तो क्या तुम मिसो से मिलने वाले हो? बॉस कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और गाड़ी चलाने लग जाता है। ह्यून भागते भागते गाड़ी का पीछा करता है। पूरे टाउन में दूर दूर तक गाड़ी का पीछा ही करता रहता है। आगे चलकर मिसो बॉस से मिलती है और ह्यून भी वहां पहुंचता है। गाड़ी में दोनों आगे चले जाते हैं। मिसो नोटिस करती है ह्यून उसका पीछा कर रहा है, पर फिर भी वो आगे जाती है। वो रोने लगती है तो बॉस पूछता है कि गाड़ी क्या मैं रोक लूं? मिसो कहती है कि हाँ रोक लो। ह्यून अभी तक गाड़ी का पीछा ही कर रहा है। मिसो उसके पास जाती है तो उसे हक कर लेता है। मिसो कहती है कि प्लीज मुझे फॉलो मत करो, तुम हर्ट हो जाओगे। मिसो को बुरा लगता है, पर वो अब मूव ऑन होना चाहती है। हमेशा ह्यून उसे हर्ट ही करता रहता है। एक दिन वो इंजा से मिलने के लिए आती है। ये दोनों बात करती है तो इंजा कहती है
कि एक दिन ह्यून हर्ट होकर यहाँ आ गया था। वो मुझसे कह रहा था कि हर एक आदमी मुझे ही दोषी समझता है। इंजा ने एक बार ह्यून से कहा था कि वो उस पर ट्रस्ट करती है, इसीलिए हमेशा वो इंजा से मिलने के लिए आता है। उनका मिसू को ना बताने का माइंडसेट क्या था ये वो समझ जाती है। वो अपना रूटीन कंटिन्यू करती है पर उसका मन नहीं लगता। ह्यून रेडियो में ही काम करता है। आज वही शो चल रहा है जो हमेशा ये दोनों सुनते थे। आरजे ह्यून से पूछता है, क्या कोई नाम है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? इस शो में मिसू का नाम वो दे देता है। एक ब्यूटीफुल रोमांटिक गाना आरजे चलाता है और ये मिसू को डेडिकेट करता है। मिसू ये रेडियो शो सुन रही थी। ये जल्दी से ह्यून से मिलने के लिए निकलती है, टैक्सी लेती है, पर आज ट्रैफिक जाम है। वो बाहर निकलती है और जिस तरह से ह्यून उसके लिए भाग रहा था उसी तरह से ह्यून से मिलने के लिए वो भागने लगती है। भागते भागते ह्यून के पास आती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इसी एक ब्यूटीफुल नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है। ह्यून के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी पर मिसू की लाइफ भी कम नहीं थी। इनमें प्रॉब्लम्स आए पर लास्ट में इन दोनों ने रियलाइज किया कि एक दूसरे के बिना ये नहीं जी सकते और लास्ट में एक दूसरे से मिल गए। इसी ब्यूटीफुल मोमेंट पर आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इस तरह की बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।